तो गाइस ये चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 मिनट के अंदर आप लोग YouTube वेरिफिकेशन बैच के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और वो भी मैं आप लोगों को मोबाइल फोन पे करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आज नहीं तो कल आपके काम में जरूर आने वाली है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके भी यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स होंगे और आप भी यूट्यूब वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई करोगे। तो चलो फटाक से बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को करना है, वो भी मोबाइल फोन पे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन में अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद में वहाँ पे गूगल में आप लोगों को सर्च करना है अप्लाई फॉर यूट्यूब वेरिफिकेशन बैच। ये आप लोग जैसे सर्च करोगे गूगल में तो आपको सबसे ऊपर ये वेबसाइट दिखाई देगी, वेरिफिकेशन बैजेस ऑन चैनल वाला। तो यहाँ पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको ऊपर चेक कर लेना है कि आप लोगों ने सही जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर रखा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको वही जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है जिस पे आपका यूट्यूब चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। तो अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा इस पेज में नीचे ब्लू कलर में। तो उसी अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको टच करना है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ ऑप्शन पे आप लोग जैसे ही टच करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछेगा चैनल नेम एंड चैनल आईडी। तो यहाँ पे मैं अपना चैनल नेम डाल देता हूँ EXPUSUR EEE। मैंने चैनल नेम डाल दिया। उसके बाद चैनल आईडी आप लोगों को कहाँ मिलेगी आपके चैनल की, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो काम करने के लिए आप लोगों को एक नया टैब ओपन करना है अपने ब्राउजर में ही। ये काम आपको अपने ब्राउजर में ही करना है, और YouTube.com की वेबसाइट पे जाना है नए टैब में। वहां पे जाने के बाद आपको आपके खुद के YouTube चैनल पे जाना है, योर चैनल पे क्लिक करके, और वहां पे आपके YouTube चैनल की जो ऊपर लिंक रहती है उस लिंक का जो लास्ट पार्ट रहता है उसको आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है मेरे URL का उसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, और यही मेरी चैनल आईडी है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और इसको कॉपी करके हम लोग वहाँ पे जो जहाँ पे चैनल आईडी हमको एंटर करना था वहाँ पे जाके इसको हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से उसी टैब में चले जाता हूँ, और यहाँ पे चैनल आईडी की जगह पे उसी चीज़ को मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सबमिट का बटन दिखाई देता है। इस सबमिट बटन पे हम लोग यहाँ पे टच करेंगे और इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे वेरिफिकेशन बैच के लिए। जैसे आप लोग सबमिट कर दोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी कि योर ईमेल हैज बीन सेंड। अब ये सेंड करते से ही आपको कंफर्मेशन ईमेल आता है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग इस ईमेल की टाइमिंग देख लो, 9:12 पे ये मैंने वेरिफिकेशन के लिए सबमिट किया था, और 9:12 पे सबमिट करते ही 2 घंटे में ही मेरा जो YouTube चैनल है वो वेरीफाई हो चुका था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे YouTube चैनल आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपको ऐसा ईमेल आता है वापस वहाँ से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 11:21 पे ये मेरा YouTube चैनल जो है वो वेरीफाई हो चुका था। तो यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुका था, तो 2 घंटे में ही मेरा YouTube चैनल वेरीफाई हो गया था।